हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सहारा अधिकार न्यूज चैनल में। इस समय मुंबई के आजाद मैदान से आ रही है बड़ी खबर। राष्ट्र निर्माण दल के अध्यक्ष बालचंद्र सावंत और उनके सैकड़ों कार्यकर्ता मुंबई के आजाद मैदान में धरना दे रहे हैं। MSEDL के डायरेक्टर संजय दासकांडे पर कही गई बहुत सारी बातें। बालचंद्र सावंत ने सहारा अधिकार से बात करते हुए कहा, सबसे पहले के दासकांडे 100 करोड़ रुपयों की निजी संपत्ति जमा करके बैठे हैं और सवाल उठाए कि क्या कोई राजनीतिक चेहरा जो मुखौटे के पीछे रहकर इन्हें सपोर्ट कर रहा है। आगे सावंत ने कहा कि संजय दासकांडे को वो निलंबित करने की मांग करते हैं और इस पर वो ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी मिलने की दरखास्त की। तीसरी बात, बालचंद्र सावंत जी ने कहा कि महावितरण कंपनी में हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला करना, ईमानदारी से काम करने वाले कामगारों को परेशान करने का काम, ये काम आज तक संजय दासकांडे करते आ रहे हैं। चौथी बात, बालचंद्र सावंत ने कहा कि दासकांडे 100 से 500 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति इकट्ठा की है। सारा अधिकार से बात करते हुए बालचंद्र सावंत ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ दुख जताया और कहा कि इस विषय पर जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक उनका धरना प्रदर्शन चलता ही रहेगा। हमने कई लेटर्स डिप्यूटी CM देवेंद्र फडणवीस जी को दिए लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जांच तक नहीं हुई। अब देखना ये है कि महाराष्ट्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। ये धरना प्रदर्शन के बारे में बालचंद्र सावंत ने कहा है कि जब तक इस पर जांच नहीं होगी उनके कार्यकर्ताओं के साथ वो धरना प्रदर्शन मुंबई के आजाद मैदान में करते ही रहेंगे। अब देखना ये है कि प्रशासन की तरफ से इन्हें क्या जवाब मिलता है, इन्हें क्या रिप्लाई मिलता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। तो मैं हूँ आशीष शर्मा, सारा अधिकार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि देख रहे हो कि काफ़ी दिनों से ये मसला गंभीर होते जा रहा है और सरकार के कानों तक झूठ नहीं रेंग रही है। आज एकदम मजबूरी में आते हुए आजाद मैदान में इनको धरना देना पड़ रहा है। सर नमस्कार, क्या कहना चाहोगे और क्या मांगनी आपकी हमारी जनता को बताइए। नमस्कार, मैं भालचंद्र सावंत, संस्थापक अध्यक्ष राष्ट्र निर्माण दल से। बात यह है कि महावितरण में एक करप्ट ऑफिसर है, उसका नाम है संजय दासकांडे। उसके ऊपर कई आरोप सिद्ध हो चुके हैं लेकिन सरकार उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ध्यान नहीं दे रहा मतलब वो किसी को तो मैनेज कर रहा है, उसके ऊपर कोई तो पॉलिटिकल, कोई तो बड़ा अधिकारी जो है राजनेता है वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। संजय दासकांडे के ऊपर वसई में, जैसे कि मानिकपुर पुलिस स्टेशन में उनके ऊपर FIR दर्ज हुआ है और बेल पे है, फिर भी उसको महावितरण में क्यों रखा है ये हम पूछना चाहते हैं। दूसरी बात यह कि पूना में पर्वतीय विभाग में 100 करोड़ का घोटाला हो चुका है, उसमें 13 अधिकारी को निलंबित किया गया है, सस्पेंड किया गया है, उन लोगों को 1,00,000 रुपये का दंड किया है, उनको 3 महीने तक निलंबित किया है, उनका 1 इंक्रीमेंट रुकवा दिया है। ऐसी बहुत सारी कार्रवाई थी लेकिन संजय दासकांडे को बचाता कौन है, ये बार बार मुद्दा आता है। जैसे कि अकोला में भी उन्होंने काम किया है, वहाँ भी जो बुल्ढाना में जो परमानेंट डिस्कन की जो कई कंज्यूमर रहते हैं वो अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए उन्होंने कहा यहाँ कोई पीढ़ी कनेक्शन नहीं, ये ऐसा बता के सरकार को भी गुमनाम किया है। आज तक उस मैटर में 67 करोड़ का घोटाला हो रहा है, सरकार ने उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और ऐसे हजारों कोटि का नुकसान उधर होता है और हो रहा है, उसके ऊपर भी कई ऑफिसर अभी इंक्वायरी कर रहे हैं लेकिन संजय दासकांडे को बचाता कौन है ये मसला गंभीर होता है। सर, आप जैसे धरने पर बैठे हो और आपने लिखा है कि बेमुद्दत धरने आंदोलन है और आपके काफ़ी सारे मांगनी हैं, तो इनमें से अहम मांगनी आपकी क्या है कि इस व्यक्ति के पीछे कौन सपोर्ट कर रहा है या फिर आप सरकार से क्या निवेदन करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मांगनी आपके क्या क्या होने चाहिए? हमें सरकार से विनती ये है
कि इस महाराष्ट्र के जो महासंचालक है लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग, इस डिपार्टमेंट ने संजय ताकसाट ने और उनके कई सहकारी लोगों की जी उनको जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार साबित हो चुका है, लेकिन उनके लिए ओपन इंक्वायरी के लिए महाराष्ट्र शासन की परमिशन चाहिए। वो दो साल से उनको परमिशन नहीं दे रहा है, सरकार उनको परमिशन नहीं। भ्रष्टाचार किन मुद्दों पर स्थित हुआ है वो मुद्दे आप जनता को बताएंगे? ये पर्वतीय विभाग में मीटर्स जो है, मीटर्स के बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में, जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं जो जो सबस्टेशन लेना चाहिए उन्होंने सबस्टेशन लिया है, जो अपना गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है उसके ऊपर ज़्यादा लोड देके उनको काम किया। जैसे कि मतलब एक स्ट्रक्चर खड़ा करने को 15-20 लाख रुपये खर्चा आता है, मतलब कोई बिल्डर से कोई 2-3 लाख कमीशन लेके उन लोगों ने ऐसा छू मंतर काम चालू किया है। आपकी मांगनी को लेकर आज़ाद मैदान में ही बैठी हूँ कि आपने न्याय का भी दरवाज़ा खटखटाया? हमने न्याय का दरवाज़ा खटखटाया नहीं है, क्योंकि वो मुसीबत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? हमारा विश्वास है इस राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, वो स्ट्रिक्टली उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। शायद वो उनके पास कोई मैटर गया नहीं गया पता नहीं, लेकिन क्या ऐसा भी लगता है कि कई ऑफिसर उनको छुपा रहे, क्या उनको तक जाना नहीं चाहिए, ये भी बात हो सकती है। लेकिन हमें विश्वास है इस राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र जी फडणवीस ऊर्जा मिनिस्टर है, उसके ऊपर निलंबन करके उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश अपने। आप लोगों का संघर्ष कितने दिनों से चल रहा है? जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया कि वो लाखों का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है और उसमें उन्होंने करप्शन किया, तो ऐसे और अहम मुद्दे कौन से हैं जो सरकार से आप कहना चाहेंगे कि उस पर भी कार्रवाई हो? संजय ताकसाट जब यहाँ डायरेक्टर प्रादेशिक संचालक में पुणे में थे, उसी बाजू में एक भोसरी का डिवीजन है, भोसरी गाँव में, वहाँ भी 9 अफसर को भी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं किया, उनको ऊपर कार्रवाई की। क्या कार्रवाई की? किसी को 50,000 रुपये दंड, किसी को 1 लाख। हम बोल रहे हैं कि उधर 100 करोड़ से कि आगे भी भ्रष्टाचार हो चुका है, आपकी पॉलिसी क्या कि करोड़ का भ्रष्टाचार करो 1 लाख रुपये फाइन दे दो 50,000? ये क्या संजय ताकसाट क्या स्कीम निकल रहा है क्या? ये संजय ताकसाट और उनके कई जो परिवार हैं, अगर उनकी ओपन में इंक्वायरी होती है आयकर विभाग से, इनकम टैक्स से, और जैसे कि आर्थिक गुने शाखा ओपन होती है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ 500 करोड़ के आसपास उनकी जंगम और स्थावर पर निकलेगी। क्यों? इस धरने ने महावितरण का 1,000 करोड़ का नुकसान किया। सर, इस धरने के बिहाफ पे आप महाराष्ट्र के डेप्यूटी CM कैमरा सूत्रों के अनुसार पता चला है कि काफ़ी जनहित में आप अच्छे काम कर रहे हो और समाज की काफ़ी सेवा भी कर रहे हो, और इस विषय को लेके काफ़ी गंभीर हो चुके हो क्योंकि सरकार आप लोगों को अनदेखा कर रही है। तो मेरा सबसे पहला यही सवाल है कि आप लोग कहाँ से आए हुए हो, और यहाँ पे देखा जा रहा है युवा भी आए हुए, ओल्ड लोग भी आए हुए, टोटल कितने लोगों के साथ ये समस्या की घटना घट रही है? हमारे राष्ट्र निर्माण दल के जो प्रमुख कार्यकर्ता है महाराष्ट्र से 2-4 जिले में से वो लोग इधर आए हैं, और वो लोग हमारे साथ इस भ्रष्टाचार के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, जो भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, इसे नष्ट करना चाहिए, इसी मुद्दे को लेके हम ये काम करते हैं। आपकी संस्था में टोटल कितने कार्यकर्ता है जो आपके साथ इस वक्त आजाद मैदान में और बाहर भी है? हमारे कई कार्यकर्ता जो है वो महाराष्ट्र में हर जिले में हर तालुका स्तर पर वो काम करते हैं, लेकिन हमने ये सोचा कि ये जो मुद्दा है जो महाराष्ट्र सरकार को जो कुछ जो अपने कार्यकर्ताओं को लेके हम निवेदन देना चाहते हैं कि इस कार्यकर्ते को त्वरित निलंबित किया जाए। हमने कई जो अभी मंत्रालय से कई ऑफिसर लोग आए थे, तो उन्होंने पता कि देवेंद्र फडणवीस साहब अभी गुजरात चले गए हैं, तो हम ये सोच रहे कि जब तक गुजरात देवेंद्र फडणवीस साहब नहीं आते तब तक हम यहाँ बैठने वाले हैं। आपका कहने का मतलब आप डिप्टी CM से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर तत्कालीन इंक्वायरी होनी चाहिए और तक कार्रवाई होनी चाहिए? क्या रिक्वेस्ट करें? हम देवेंद्र फडणवीस साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको तुरंत निलंबित किया जाए और उसकी इंक्वायरी लगा दी जाए। थैंक यू। इस मामले में हमने कई MLA को पत्र दिया है, उनको ये विनंती की है अगर इधर काम नहीं होता है तो आने वाले अधिवेशन में इनको तारांकित प्रश्न किया जाए। हमने यहाँ के मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, विरोधी पक्ष का माननीय अजीत दादा पवार को, यहाँ के विरोधी परिषद के जो परिषद है अंबादास दाने, उनको भी निवेदन दिया। सर, आपकी आगे की रणनीति क्या रही? अगर मुंबई सरकार ने कुछ नहीं किया तो क्या आप हमारे
पीएम तक जाके ये संदेश हम तक पहुँचाएंगे? पास नहीं जाएंगे हम, अपना जो धरना चल रहा है वो संविधान के तौर पर चले है। अगर ये सरकार नहीं मानती है तो हम आंदोलन की दिशा बदल देंगे, जैसे कि बोमा बम करेंगे। यहाँ हम यहाँ अर्धनग्न होके हम यहाँ मंत्रालय के आजू बाजू घूमने वाले रोज ऐसा काम करने वाले। खाली बजाव रहेगा, वो सब अपना आंदोलन की भूमिका हम आने वाले दिनों में करने वाले हैं।